नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है पेपर चिकन ड्राई। तो इसको आप एज अ स्टार्टर खा सकते हो। बहुत ही टेम्पटिंग और स्वादिष्ट ऐसी रेसिपी है और इजीली बन के तैयार हो जाती है और साउथ इंडिया की एक फेमस डिश है। तो इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। ये मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए सौंफ, ब्लैक पेपर, जीरा, कड़ी पत्ता और शैलट्स। यहाँ पे जो छोटे ओनियन होते हैं वो हमने यूज़ किए हैं, उससे जो स्वीटनेस होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो एक बड़े कढ़ाई में हम मसाले डाल देंगे। इसको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और उसकी हम पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमें इसकी अच्छे से पाउडर बना लेनी है। अब एक बड़े कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पे ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं होता। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी स्वाद आता है। तो उसमें डाल देंगे करी लीव्स। करी लीव्स के पकने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई में हरी मिर्च और प्याज। यहाँ पे जो प्याज है उसको मैंने ऐसे काट लिया है, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये हमारे प्याज पक के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 चम्मच, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। हम यहाँ पर रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा ब्लैक पेपर यहाँ पे डालना है। फिर इसमें हम डाल देंगे बोनलेस चिकन, और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक एज़ पर टेस्ट, और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें डालना है पानी। तो यहाँ पे मैं आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसको पका लेना है। ये बोनलेस चिकन है तो जल्दी पक के तैयार हो जाता है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पाउडर जो हमने बनाया था। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। देखो ये हमारा चिकन पक के रेडी है। थोड़ा सा पानी इसमें है तो हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, और 2 चम्मच जो हमने बनाया था वही मसाला हमें इसमें डालना है। बाकी कोई भी मसाला यूज़ नहीं करना है, और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन को। यहाँ पे देखो पूरा चिकन अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम उसमें डाल देंगे हरा धनिया, और यहाँ पे हमारी डिश बन के एकदम रेडी है। तो एज अ स्टार्टर आप इसको खा सकते हो। बहुत ही टेम्पटिंग ऐसी लग रही है, और ब्लैक पेपर जो डालते हैं हम उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। सौफ का जो स्वाद है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।